हमारी नई राइड, मेरे बचपन का सपना बुलेट हो अपना। ये अभी थोड़े दिन के लिए मिली हुई है हमें, एक दिन और रह गया इसका। तो मैंने इसलिए सिमर को बोला, मैंने कहा चलो घुमा के आए तुम्हें, सीपी लेके चलते हैं। तो बस जा रहे हैं अब हम, इसको एंजॉय नहीं करती है शायद, लेकिन मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन, सो रात को हम लोग आ गए हैं बल्ला साहिब गुरुद्वारे। हम लोग एक्चुअली सीपी की तरफ आए थे, तो गुरुद्वारे के सामने निकल रहे थे, तो हम लोग जाके दर्शन कर लेते हैं, है कि नहीं सेठी साहब? चलो चलो गए अंदर, फॉलो कीजिए गत। वहाँ पे चीटियां तो नहीं है? जहाँ बेटा मुंह लगा के बैठे हो, चीटी तो नहीं है वहाँ पे? ठीक है, आजकल बड़ा टाइम मिल जाता है हमें, देखो जैसे बैठ जाते हैं बाहर आके, अब बहुत टाइम ही टाइम है। गुड मॉर्निंग सेठी साहब। गुड मॉर्निंग सिमर सेठानी साहब। कितने गंदे हो राहुल तुम, कभी खुद से तो कोई गुड मॉर्निंग बोलते नहीं हो। हाँ। ऐसे ही चले जाते हो, उठते ही सबसे पहले गुड मॉर्निंग करने आया था। रहने दो तुम, आप बिजी थी? मैं बिजी थी, कुछ कर रही थी, ठीक है? ऐसी फ्री में इन्वेस्टमेंट की रानी बन गई तुम मुझे घर पे बैठे ताने मारते रहते थे, इस बंदे ने मुझे इतना फोर्स किया ना। ताने मारे मैंने? तुमने बोलते नहीं रहते थे, तू देखा कर, स्टॉक मार्केट में कर, कोर्सेज कर ले, ये कर वो कर ले। मैंने सुन ली तुम्हारी, अब मैं तुम्हें पैसे कमा के दूंगी, मेरे को बहुत सारे पैसे दूंगी तुम्हें, मेरे को। हाँ। दोगी फिर तुम मुझे अपने घर में रहने की इजाजत दोगी? हाँ? इजाजत दोगे फिर तुम मुझे अपने घर में रहने की? अच्छा तो मैं फिर तुम अपने घर में रहने की इजाजत दूंगा? कैसे कैमरे पे दिखाया जाता है ना वो सब उल्टा है दोस्तों। अच्छा मैं भी तुम्हें इजाजत इस घर में रहने की? अच्छा और ठीक है तो सही साहब जा रहे हैं ऑफिस, ठीक है? और मैं लग जाऊंगी अपने स्टॉक मार्केट पे बैठ जाऊंगी बस, अभी मार्केट खुलने वाली होगी, ठीक है? आज तुमने शाम को लाख रुपए कमा के देना, ठीक है? ठीक है, धन्यवाद सर। चलो ओके, चलो यू हैव अ गुड डे, ओके बाय। सही साहब इज गोइंग ऑन अ बाइक, गाड़ी हमारी मिलेगी अभी एक दो दिन में आई थिंक, या फिर आज मिल जाएगी शाम को। राहुल सेठी गए और पापा सेठी आ गए वापस सत्संग। तो सही साहब बहुत देर पहले चले गए थे, आपने देखा ही था। उसके बाद मैं अपनी एडिटिंग वगैरह पे बैठ गई थी और एडिट करके ब्लॉग वगैरह अपलोड कर दिया है, और टाइम इस समय हो रहा है कुछ एक बज रहा है। बीच में एक्सरसाइज भी करी और चीज़ें वीज़ें भी पी जो पीनी थी, बड़ी सारी चीज़ें पी जा रही हैं,
और गाइस आज मैंने अपने लिए एक नया टारगेट सेट किया है। नीचे जाते नीचे जाके बताते हैं आपको क्या टारगेट सेट किया है। आपने मुझे मोटिवेट करना है, ठीक है? आपने मुझे बस बोलते रहना हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा, तो आई एम श्योर दैट आई विल बी एबल टू डू इट। सो आज मैंने अपने आप को एक नया टारगेट दिया है, जो कि मुझे अभी मैं नहीं बोलूँगी कि मुझे अचीवेबल नहीं लग रहा, मुझे अचीवेबल लग रहा है, तभी मैंने सेट किया आई थिंक। मुझे वेट लूज़ करना है और मैंने वेट लूज़ करना है मुझे, मैं बोल रही हूँ कि मैं 55 होना चाहती हूँ। 55 पे आई नो मैं बहुत ही ज़्यादा पतली लगूँगी, बट हाँ वो मैंने अपने लिए सेट किया है कि मुझे 55 किलो होना है। और उसके लिए मुझे करनी है चीज़ें बहुत सारी, वॉक रन एक्सरसाइज एंड ऑल दोज थिंग्स। वो हम आलस कर जाते हैं, जाते नहीं हैं, बट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई वॉकिंग, जो मैं पहले कर रही थी शुरू में, और रनिंग वगैरह और एक्सरसाइज वगैरह। एक्सरसाइज तो शुरू कर ही दी है, एक्सरसाइज का वो नहीं है, बट हाँ बाहर जाके वॉक करना अब मैं कल से शुरू कर दूँगी। इनफैक्ट आज रात से कर दूँगी, जब सेवी साहब आएंगे देन विल गो फॉर अ वॉक रात को और सुबह भी, सुबह अकेले। अगर सुबह भी सेवी साहब उठ गए तो सुबह उनके साथ और रात को भी उनके साथ, ठीक है जी। 55 किलो। और मैं मम्मी और को आज मैं मिली तो मैंने उन्हें बोला कि अब आप मुझे मिलोगे तो आपने मुझसे मिलते हुए ऐसे ही मुझे ऐसे करना है, दोनों हाथों से ऐसे दिखाना है, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे 55 होना है, 55 होना है। तो उसी की जर्नी पे अब हम चल पड़े हैं। जर्नी शुरू हुई थी बट अभी तक अपना एक टारगेट वेट नहीं सेट किया था, जो मैंने आज कर लिया है एंड आई एम गोइंग टू अचीव इट। देखो बाद में नहीं हुआ ना तो मेरा मजाक मत उड़ाना, अभी सोचा है तो आई एम श्योर हो भी जाएगा। माला क्यों हंस रही है, बता दे माला आज मैंने क्या बोला है? दलिया तो बोला है, वैसे क्या बोला है अभी मैंने तेरे को, क्या बोल के गई मैं? 55 किलो वेट करना है। मुझे कैसे मिलेगी माला तू? कैसे मिलेगी मुझे जब मिलेगी तो? अब मुझे ये सब ऐसे हाथ करके दिखाएंगे 55। तो दलिया वी गोइंग टू ईट फॉर लंच। अभी देखो मैंने सबको ब्रीफ दे दिया, अभी कोई तो बाहर आया। मम्मा कैसे मिलोगे मुझे, कैसे मिलोगे मुझे, कैसे मिलोगे? मतलब अभी मैं आपको बता के गई थी ना कुछ कि अब आपने मुझे कैसे मिलना है। पचपन। तो अभी हम खाएंगे दलिया, ब्रेकफास्ट लंच जो भी है सब कुछ। बड़ा ही स्वाद सा रंग बिरंगा सा दलिया बना है, बड़े ही मरे मन से खाएंगे, बट खाएंगे, चलो कोई बात नहीं। So, दोस्तों ये है हमारा लंच कम ब्रेकफास्ट, और इसके साथ हम पियेंगे एक ग्लास छाछ। छाछ बता देना, छाछ पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए? मेरी को इतनी ज्यादा नॉलेज तो है नहीं इस चीज के बारे में, बट आप मुझे बता देना दोस्तों। सो गाइस देयर इज अ गुड न्यूज। व्हाट? एक मिनट, मैं रिदा के कपड़े, रिदा भी अभी स्कूल से आई है, मैं रिदा के कपड़े चेंज करा के आपको और रिदा को एक गुड न्यूज देती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ क्या गुड न्यूज है। एक मिनट, रिदा को पता चल गया है क्या गुड न्यूज है, बट आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल ऑल्सो। हाँ, तो रिदा का स्पेलबी का रिजल्ट आ गया है एंड रिदा हैज स्कोर्ड 98 गाइस, 98 out of 100। सो दो गलतियां हुई थी और 98 नंबर आ गए रिदा के, तो आई एम वेरी 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 हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ हर कि इसका इतना अच्छा रहा। मुझे अब वही लग रहा था कि पिछले जो एग्ज़ाम्स हो रहे थे उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज़ उसमें लिखने का ज़्यादा था और टाइम 1 आवर का था, तो इसका बहुत सारा एग्ज़ाम छूट रहा था हर बारी। लेकिन इस बारी बिकॉज इट वॉज ऑनलाइन एंड मार्क करना था ऑप्शन, सो वो लिखने में टाइम नहीं जा रहा था। हैंड राइटिंग बना बना के लिखने में बच्चे का टाइम ज़्यादा चला जाता है, और इस बारी पेपर भी 1.25 घंटे का था, तो 15 मिनट वहाँ पे भी इन लोगों को एक्स्ट्रा मिल गए थे। तो रिदा ने सॉरी नेल लग गया। सो रिदा के बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं, और मैडम बोल रहे कहीं लेके जाना मुझे, तो अब देखते हैं। हेलो दीदी, कीर्तन हो रहा है अम्बाला में मम्मी के घर पे, और उन्होंने देखो वीडियो बना रहे हैं।
वीडियो कॉल करिए मेरे को और दीदी को दिखाने के लिए. दीदी तो अपने घर से डांस कर रही है. इसको इतना शौक था ना डांस करने का, अभी भी बस बजता है और बहन नाचने लग जाती है. क्या हाल चाल है आपके? बस जी बस. पापा नहा के आए हैं, बाल फिक्स करने लग गए अपने. दादू जी ये देखो ये क्या दिखा रही है, किसके दिमाग की पजई है? ये दीदा ने बनाया सारा. ये टेबल है, बहुत कलरफुल टेबल. दिखाना. वाओ नॉर्मल बॉटल, कलरफुल बॉटल. बहुत तेरी की किसके दिमाग की पजई है सारी? मेरी. बहुत तेरी. चलो बैठो अभी आप दादू के साथ. ये देखो ये तो मेरी दादा. इडली खाओगी? तुमने सूट क्यों पहना आज? हम आपको समझ नहीं आ रहा ना, आपको कितनी बन रहा है क्योंकि मुझे मॉल में देखना है कि पंजाबी लुक में इनके तो लोग मेरे क्या रिएक्शन कर रहे हैं. मुझे भी फालतू की बातें मत करो ठीक है. रिएक्शन रिएक्शन ये तुमने ना कोई वीडियो देखी है मुझे पता है. रुक जाओ गाड़ी आ रही आगे से. कोई वीडियो देखी है तुमने? नहीं देखी है. लहंगे महंगे वाली. चलो आओ जल्दी. लहंगे महंगे तुम्हें नहीं. पापा पूछेंगे तुमने सूट क्यों पहन रखा है. Congratulations, Ritzy. You've 98 done 98 out of 100. You made us so proud. I love you. I love you. Your hard work has paid, and Ritzy. Yep. And Emma, yours also. Thank you. पता है मुझे अब medal भी मिलने वाला है. हाँ. और मेरे schools और मेरे school toppers में वो भी लगेगा picture. Photo भी लगेगी. नहीं तो मुझे लेके देना पड़ेगा भी medal. तो आज लेके जा रहे हैं रिदा को इसी उपलक्ष में. कहाँ रिदा? पूछ नहीं रहे क्योंकि मैंने सूट क्यों पहना है. क्यों पहना बाबा? क्यों पहना है रिदा? क्योंकि मुझे पंजाबी लोग देने हैं मॉल में और देखने की लोग क्या रिएक्शन देते हैं. लोगों इसने पता नहीं कोई वीडियो वीडियो देखी. मैं बता रही हूँ तुझे. हाँ. यूट्यूब पर जो फालतू की चीजें आती रहती ना. हाँ. उसमें तो इंग्लिश, उसमें तो लंदन की गर्ल जाती है. लंदन में तो वो भी लहंगे भी नहीं. तो मैं लंदन में तुम्हारा ले जाऊंगी. मैं शादी का लहंगा वो पहन के घूम लेना ठीक है? नहीं मैं नहीं पहनूंगी. फिर देख लेना रिएक्शन की शादी का लहंगा. चलो चले लेट्स गो. मैं तो शादी नहीं हुई. मैं शादी नहीं करूंगी तो मेरा लहंगा कैसे आएगा? सही बात है. मैंने रखा हुआ अपना संभाल के बेटा. अपना? हाँ. तो वो मुझे कैसे फिट आएगा? तुम भी तो बड़ी होगी ना जब शादी आएगी. या इतनी रहोगी? मैं शादी थोड़ी ना करूंगी. अच्छा अच्छा कोई बात नहीं बेटा. शादी नहीं करनी है. परेशान करता है ये कहाँ देखा बेटा? हमारे घर में तो नहीं है ये स्टोरी. नहीं. हाँ. आपको शिमला विमला हिल्स कहीं घूमने ही नहीं लेके जा रहे हो? किसको? मम्मी मुझे. कहीं घूमने तो लेके जाओ. अभी गोवा हो क्या तो नवम्बर में. कब? आप जी गोवा आने वाला हो? जब हुआ तो छह महीने ही होते हैं. ऊपर था कोई नहीं? नहीं कोई नहीं था. कोई नहीं था. मैडम ट्राई कर रहे हैं अपने लिए स्नीकर्स. यू हैव टू बाय वन. सो वी हैव कम टू रीबॉक स्टोर. लेट्स सी इफ शी लाइक्स इट. बहुत दिन से बोल रही है ये तो. मैं इसको बोल रहा था बात उसका ले ले एक्शन वैक्शन के कैंपस के. देखा एक बार ही लेने उसमें भी नहीं दिला रहा. एक बार ही लेने मैंने तो ऐसा नहीं बोला. एक बार ही लेने. सो वी कम टू पिज्जा एक्सप्रेस और रिदा ने ले लिए अपने थोड़े से टॉयज वॉयज. शी इज टेकन और हम दोनों ने अपना कलर भी किया. शी इज टेकन किचन सेट. किचन सेट बिल्कुल था इसको स्टील वाला मिलाने का बट ऑब्वियसली वो नहीं था. ये गाना चल रहा है तो प्रॉब्लम तो नहीं. थोड़ा तेज बोलो ना पास आके. फिर मैंने कहा इसको पता नहीं किचन सेट का कहाँ से हुआ भाई. दो दिन नहीं रखती है ऐसे वाला जो आइटम. दो दिन क्या अभी पता नहीं. हमारा जो गुरमन है वो तो अपना सामान ऐसे संभाल संभाल के उसके बचपन की चीज़ें भी आज तक पड़ी हुई हैं. जब वो दो ढाई साल का था उसने गाड़ियाँ ली थी. उसको हॉट व्हील्स का बड़ा शौक था. श्रीधर तो जाता ही हमारी फैमिली में बहुत संभालने वाली. यस राइट दैट्स अ फैक्ट. तुझे पता है वो. आप मेरे से बोलेंगे ना कि सिमर ये चीज़ दे दे तो और मैं घर पर नहीं भी हूँगी तो मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता दूँगी. ये चीज़ यहाँ से निकाल लूँ ठीक है? तो अभी सिमर ने मंगाया है सैलेड और हमने मंगाया है पिज्जा. मैंने बहुत सारा जंक फूड बनाया बट मम्मा डाइट कर रही है तो इसलिए मैंने बस सैलेड और सुबह से उन्होंने बस दलिया केक खाई है और एक चाय और थोड़ी सी नमकीन बस. वेरी गुड.
चल रही है लाइफ? बिल्कुल ठीक है, बढ़िया चल रही है, बढ़िया। कि खाओ पियो ऐश करो कितने लोग, हाँ दिल पर किसी से लगायो ना।